हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ द नाइन्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर अ डॉग फ्रॉम नोवेयर. सो चिल्ड्रन, इन सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट वी हैड सम एक्सरसाइजेस विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो टुडे वी विल हैव टू मोर एक्सरसाइजेस एंड वन ऑफ देम इज समवेयर न्यू टू यू. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल वॉचिंग द वीडियो. सो चिल्ड्रन, वॉट इज़ द टॉपिक ऑफ दैट एक्सरसाइज? लेट्स सी. So children, the word you must not have heard yet, that is reporting verb, right? Yeah, reporting verbs or reporting words. So इसका क्या मतलब होता है? We'll understand first. So children, whatever we speak in two ways. जो भी हम बात करते हैं वो हम दो तरीके से बात करते हैं, ठीक है? So बात कैसे करते हैं दो तरीके से? एक तो तरीका होता है हमारे दिल में या हमारे जो भी काम होते हैं हम सामने वाले को डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है? एंड एक दूसरा तरीका होता है, लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल, राइट? वेट, ओके. सो सपोज हियर ए एंड बी, they are talking to each other directly. वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो भी बात ये करते हैं आमने सामने, ये दोनों ये आपस की बातें या ए और बी अपनी अपनी बातें किसी तीसरे पर्सन से, सी या फिर डी से, इवन किसी एक्स वाई जी जिससे भी बताना चाहे उससे बताते हैं, ठीक है? तो ये जो बात हुई है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, राइट? डायरेक्ट स्पीच क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट स्पीच, यानी हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं. लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, जब ए और बी अपनी बातें किसी और से बताते हैं, वही बातें जिन्होंने आपस में की थी, वही बातें जब किसी और से बताते हैं अपने तरीके से, अपने शब्दों में, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? अब इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. जो हम किसी से आमने सामने बोलते हैं तो वो डायरेक्ट होता है, और जब हम वही बात किसी थर्ड पर्सन से बोलते हैं तो वो बात इनडायरेक्ट हो जाती है. अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से. मान लीजिए चिल्ड्रन, मैं आपसे कहती हूँ अभी, आई सॉरी आई स्पीक टू यू, ठीक है? मैं आपसे कहती हूँ यू विल कम टुमारो, सॉरी यू विल कम टुमारो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपसे कहती हूँ कि तुम कल आना, तुम कल आओगे या फिर आप कल आएंगे. अब यही बात आपने मेरी बात किसी अपने पेरेंट्स से बता दी या फिर अपने भाई बहन से बता दी कि मैम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा या कल मैं आऊंगा, ठीक है? तो ये बात हो गई इनडायरेक्ट. जो मैंने अभी आपसे कहा, मैं कहती हूँ आपसे कि आप कल आएंगे, ये मैंने डायरेक्ट आपसे बोल दिया. लेकिन मेरी कही हुई बात को आप किसी थर्ड पर्सन से बताएंगे और उससे कहेंगे मैम ने कहा कि मैं कल आऊँगा, ठीक है? तो जो मैंने आपसे बोला वो डायरेक्ट स्पीच था, और जो आपने अपने पेरेंट्स से बोला वो इनडायरेक्ट स्पीच था. आप समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ड्स का क्या काम होता है इन सब चीज़ों में जो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं. यस, सो जो ये वर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड रिपोर्टिंग वर्ड्स. सो चिल्ड्रन,
जब हम इनडायरेक्ट राइट जब हम इनडायरेक्टली किसी से कुछ बताते हैं ठीक है, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ड्स जो होती है वो चेंज हो जाती है. इवन लेट मी टेल यू, अगर मैंने कहा आई टेल, दिस इज अगेन अ कॉमा, यहाँ पर मैंने लिखा डू नॉट स्लीप, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने कहा, आई टेल डू नॉट स्लीप. ठीक है, तो चिल्ड्रन हमें पता है जब हम किसी से डायरेक्ट कोई काम कहते हैं तो हम उसको काम करने को कहते हैं तो उसको एडवाइस कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं या रिक्वेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कहती हूँ, या फिर मैं किसी से भी, मैंने कहा, मैं कहती हूँ डोंट स्लीप, तुम मत सो. ठीक है, यानी मेरी एडवाइस है, सलाह है, किसी को सजेशन है. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, आई टिल डू नॉट स्लीप. ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना है जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे. ठीक है, ये तो मेरा कौन सा था, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट है. ठीक, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, लेकिन हम रिपोर्टिंग वर्ब जो इस जो एक्सरसाइज में है हमारे पास, उसमें हर जगह पर इनडायरेक्ट सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे ठीक है, तो वहाँ पर कोई कॉमा नहीं होगा, कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा. ठीक है, कोई कोटेशन वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होंगे. राइट, तो वहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगी वो हमारी चेंज हो जाएंगी. तो यहाँ पर जब हम इसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट शी एडवाइज्ड, ठीक है, नॉट, किस चीज़ के एडवाइज है, नॉट टू स्लीप. राइट, तो शी एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप. तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे अपनी आने वाली क्लास में, बट तब तक के लिए थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन. नहीं आया है कोई बात नहीं, बट आप एक्सरसाइज में कहाँ कहाँ मैंने वर्ड्स, कौन से वर्ड्स फिलअप करे हैं, दिस इज़ मेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब समझ आते हैं इस एक्सरसाइज पर. अब इस एक्सरसाइज में आई टोल्ड यू आपको क्या करना था, इसमें हमें लोगों के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें देखना है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब हमें सही तरीके से इसमें फिट करना है. जैसे मान लीजिए मैंने कुछ आपसे चिल्ला के कहा, ठीक है, इवन मैंने किसी अपने भाई से चिल्ला कर बोल दिया कि तुम अपना काम नहीं करते हो. ठीक है, तो आई, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई सेड टू हिम यू डू नॉट डू योर वर्क. लेकिन जब इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे, या फिर इसके लिए जो सही रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, शी शाउटेड एट हिम, या शी शाउटेड दैट यू डू नॉट डू योर वर्क, शी शाउटेड दैट ही डिड नॉट डू हिज वर्क. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. अब हम समझते हैं जल्दी से. अब यहाँ पर है द लेडी द विनर ऑफ द लकी ड्रॉ. अब लेडी है, अगर लकी ड्रॉ को, लकी ड्रॉ के लिए नाम बोला जाता है, तो नाम बोलने को क्या बोलते हैं,
जब किसी का नाम पुकारा जाता है तो वहाँ पर पुकारने के लिए हम से, स्पीक, टेल, कॉल कुछ नहीं लगाएंगे, वहाँ पर ये वर्ड लगेगा अनाउंस, राइट। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, दिस अनाउंस वर्ड विल बी यूज्ड, ठीक है। सो नंबर वन पे क्या हो जाएगा, अनाउंस, दिस इज नंबर वन। देन कम्स शीला, सॉरी शीना, व्हाई इट वाजंट पॉसिबल फॉर हर टू अटेंड द डिनर पार्टी एट माय प्लेस। अब कोई बता रहा है कि शीना ने वो बात बताई कि वो पार्टी में क्यों नहीं आ पाई, तो जब वो अपना किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम बता रही है तो क्या कर रही है, शी इज़ एक्सप्लेनिंग, तो नंबर टू हो जाएगा एक्सप्लेन्ड, शीना एक्सप्लेन व्हाई इट वाजंट पॉसिबल फॉर हर टू अटेंड द पार्टी एट माय प्लेस। देन ही टॉकिंग द ट्रेन सिंस द फ्लाइट्स वर डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। अब जो फ्लाइट थी वो डिलेड हो गई, तो किसी ने क्या दिया, सलाह दी, किसी ने सलाह दी कि तुम लोग ऐसा करो, फ्लाइट को छोड़ दो और ट्रेन से चले जाओ, तो एडवाइस दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री नंबर पे एडवाइस आ जाएगा। देन माय अंकल, वी रीच अर्ली इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई फ्रंट सीट्स इन द ऑडिटोरियम। तो अंकल ने कहा, क्या कहा, कि जल्दी जाओगे तो ऑडिटोरियम में फ्रंट सीट्स मिल जाएंगी, तो एक तरीके का क्या है, ये सुझाव है, तो नंबर फोर पे क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, राइट। नंबर फाइव, ही टू स्टीलिंग मनी फ्रॉम माय बैग, उसने एडमिट कर लिया, यानी इसने मान लिया कि उसने मेरे बैग से पैसे चोरी किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव, तो एडमिटेड नंबर फाइव में चला जाएगा। सो ही एडमिटेड टू स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई बैग, यानी उसने ये मान लिया कि बैग से चोरी उसी ने की थी। फिर है नंबर सिक्स, द सेल्समैन, सेल्समैन मी टू बाय द प्रोडक्ट। जो सेल्समैन होते हैं क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और कि ये इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये आपको ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमें कोक्स करते हैं, हमें परसुएड करते हैं, हमें राजी करते हैं किसी काम को करने के लिए। सो नंबर सिक्स विल बी परसुएडेड। नाउ कम्स नंबर सेवन, द मैन टेकिंग ब्राइब्स फ्रॉम पीपल। एक आदमी ने ब्राइब का मतलब होता घूस, लोगों से घूस लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा नंबर सिक्स और नंबर टेन, अब तो जो बच गया वो नंबर एट हो जाएगा। नंबर एट इज़ प्रपोज्ड, सो द मैनेजर प्रपोज्ड अ मीटिंग, उसने एक मीटिंग प्रपोज करी विद द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, तो दिस विल बी नंबर एट। सो चिल्ड्रन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज और यू कैन understand and then you can fill this exercise on your own, this will be best idea. Okay, now we'll see the next exercise. So in this next exercise, in the last video we talked about kinds of adverbs, ठीक है। तो उसमें हमने सीखा था कि कैसे पता करेंगे कि adverb का कौन सा प्रकार वाक्य में बताया जा रहा है। अब देखते हैं, add an adverb to complete each of these sentences. Children, she waited patiently in line for her turn, to yahan par ho jayega patiently, right. Now children, I'll be telling you in a quick way because we have very less time. And number two is, Can I go to get my bag? अब क्या मैं जल्दी से अपने बैग को लेने, सॉरी, अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि प्लेस, यानी हमें जगह बतानी है, ऐसा कोई शब्द इसमें फिक्स करना है।
जिसमें कि जगह आ जाए, जगह के बारे में बात हो, ठीक है। तो जगह के बारे में अगर हम कहेंगे तो सेंटेंस कैसे पूरा करेंगे, कैन आई गो टू माय हाउस और कैन आई गो देयर, तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, लेट मी जस्ट फिल दिस फॉर यू। ओके, फर्स्ट विल एक्सप्लेन एंड देन विल हैव। तो इसमें हो जाएगा कैन आई गो देयर या कैन आई गो टू माय हाउस। फिर है माय फ्रेंड्स वांट टू गो फॉर अ मूवी। अब एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हो। मेरे दोस्त मूवी देखने जाना चाहते हैं टुमारो, नेक्स्ट संडे, डे आफ्टर टुमारो, ऑन या फिर ऑन इन द नेक्स्ट मंथ। तो कभी कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, उसमें फिलअप कर सकते हो। नंबर 3 की बात कर रही थी मैं। नंबर 4, माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिट अस। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत ऑफन विजिट करते हैं, या फिर आप इस पर ऑफन का मतलब अक्सर, हमें फ्रिक्वेंसी बतानी है कब कब विजिट करते हैं, तो यहाँ पर ऑफन भी कह सकते हो आप। यहाँ पर एवरी संडे भी बोल सकते हो, वंस इन अ वीक भी बोल सकते हो। तो इसमें फ्रिक्वेंसी बतानी है, कितनी कितनी बार वो आपके घर विजिट करते हैं, ठीक है। तो आप ओकेजनली भी कह सकते हो, यानी कभी बहुत कभी कभार। फिर नंबर 5 में क्या है, प्लीज़ पुट द टॉयज कहाँ पर, इन द बॉक्स। इन द बॉक्स वंस यू आर डन प्लेइंग विद देम। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इन द बॉक्स हो जाएगा। नंबर 6, आई ऑफन रीड, या फिर आई के बाद लिखा रीड इन बेड एट नाइट। मैं रात में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन कब कब, इसमें फ्रिक्वेंसी बतानी है, एवरी, ओकेजनली, ऑफन, ऑन संडे, जैसा भी आप चाहो इसमें फिलअप कर सकते हो। शी ड्राइव्स, अब इसमें बताना है वो चलाती है, यानी गाड़ी चलाती है, कार चलाती है, उसका तरीका बताना है, तो आप इसमें लिख सकते हो शी ड्राइव्स रैशली, शी ड्राइव्स स्लो, शी ड्राइव्स फास्ट, शी ड्राइव्स इन अ राइट वे। तो कुछ भी आप मैनर लिखना है इसमें, तरीका लिखना है उसका काम करने का कैसा है, यानी उसका गाड़ी चलाने का तरीका कैसा, तेज़ है, धीरे है, सही से चलाती, शी ड्राइव्स प्रॉपरली। द चीफ गेस्ट शैल बी अराइविंग शॉर्टली। द चीफ गेस्ट शैल बी अराइविंग शॉर्टली। बेटा चिल्ड्रेन, इसमें तो ऑलरेडी उन्होंने फिलअप कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्टली। ये जो आप वर्ड देख रहे हो, इसमें ऑलरेडी हमें बता दिया गया है, इसमें फिल कर दिया गया है मिस्टेकनली, बट यहाँ पर जो शॉर्टली होता, ठीक है, क्योंकि ये हमें बता रहा है टाइम क्या है, शॉर्टली यानी थोड़ी देर में। सो चिल्ड्रेन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज़ डू मेक अ कॉल एंड देन टेक योर टाइम, आई क्लियर ऑल द थिंग्स, राइट चिल्ड्रन। सो सेइंग दिस, आई वुड से थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।